नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं भिंड की, जहां पुलिस और खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अफसरों ने कुरथरा गांव के नजदीक खेतों के बीच एक मकान पर छापा मारा। इस मकान में जब पुलिस और फूड सेफ्टी अफसर पहुंचे तो देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि मकान के अंदर एक बड़ा कारखाना संचालित हो रहा है, जिसमें जगह जगह बर्फी बनाने वाली सामग्री सड़ रही है। यहां मौजूद कर्मचारियों से पता चला तो उन्होंने बताया कि ये मकान अखिलेश बघेल का है। अखिलेश बघेल व उसके मित्र यूपी के रहने वाले अमित बघेल द्वारा यहाँ कारखाना संचालित किया जा रहा था। ये बिना किसी परमिशन के काजू कतली, बर्फी, लाल बर्फी और काली बर्फी तैयार करते थे, जिसे वे बाजार में महंगे दामों में बेचते थे। ये कारखाना पिछले एक साल से इसी तरह से संचालित हो रहा था। यहाँ फूड सेफ्टी अफसरों को सड़ी गरी भी मिली, जिसे नष्ट कराया। पूछताछ पर पता चला कि ये बर्फी को स्वादिष्ट बनाने के लिए सड़ी नारियल मिलाते थे। ये नारियल को सस्ते दामों में दिल्ली से लेकर आते थे। इसी तरह से बर्फी को महंगा दिखाने के लिए मूंगफली के दानों को कलरफुल करते थे, जिसे पिस्ता का रूप देते थे। यहाँ तैयार होने वाली बर्फी में मावा का उपयोग नहीं किया जाता था, वे आलू व अन्य सामग्री से नकली मावा तैयार करते थे, इसे ही बर्फी तैयार करके बेचते थे। यहाँ छापामार दल के सदस्यों को एक बोरी में 25 किलोग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर मिला, सोयाबीन का तेल, गरी, मूंगफली के दाने समेत अन्य सामग्री मिली, जिसमें फफूंदी लगी थी, जिससे बदबू आ रही थी। वहीं 40 डिब्बे प्लेन बर्फी, लाल बर्फी, 12 किलो मिल्क के 120 किलो, इसके अलावा 300 किलो मिक्स मिठाइयां मिली। इन सभी को फूड सेफ्टी अफसरों ने नष्ट करा दिया। पूरे मामले में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रीना बंसल का कहना है कि बिना परमिशन के मिस ब्रांड की मिठाइयां तैयार कराने का कारखाना मिला। यहाँ मिठाइयाँ तैयार करने की तारीख, एक्सपायरी डेट, मिठाई तैयार करने के विधि व सामग्री का उल्लेख पैकिंग कर नहीं किया जा रहा था। कारखाना संचालक अखिलेश बघेल व अमित बघेल के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। उनके ऊपर कारखाना संचालक का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। काम चल रहा था, आज पहली बार इसके अंदर बेची गई है, तो इसके यहाँ पर मिल के काली बर्फी, लाल बर्फी और जो प्लेन बर्फी होती है, इस तरह के आइटम बनाए जा रहे हैं। और कम रेट में 100-150 किलो में गाँव वगैरह में उसका भारी मात्रा में बिक्री की।